दोस्तों, चुनारगढ़ किला भारत की ऐतिहासिक विरासत है। यह एक अनमोल धरोहर है। चुनारगढ़ किले का इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान है। यह किला लगभग 5000 वर्षों के इतिहास का गवाह है। जिस पहाड़ी पर यह किला स्थित है, उस पहाड़ी की प्राकृतिक संरचना मानव चरण के आकार की है, इसलिए इसका नाम चरणादिगढ़ भी है। इस किले का इतिहास महाभारत काल से भी प्राचीन है। इस किले पर महाभारत काल के सम्राट काल्यवन, संपूर्ण विश्व पर शासन करने वाले उज्जैन के प्रतापी सम्राट विक्रमादित्य, हिंदू धर्म के अंतिम सम्राट पृथ्वीराज चौहान से लेकर सम्राट अकबर, शेरशाह सूरी जैसे शासकों ने शासन किया है। चुनारगढ़ किले का निर्माण किस शासक ने कराया है, इसका आज तक कोई भी प्रमाण नहीं मिल पाया है। इतिहासकारों के अनुसार महाभारत काल में इस पहाड़ी पर सम्राट काल्यवन का कारागार था। महाभारत काल के बाद का समय सम्राट विक्रमादित्य का समय माना जाता है। सम्राट विक्रमादित्य के बड़े भाई राजा बृहतहरि राजपाट का त्याग करके सन्यासी हो गए थे। बृहतहरि गुरु गोरखनाथ के शिष्य थे। श्री बृहतहरि गुरु गोरखनाथ से ज्ञान लेने के बाद चुनारगढ़ आए और तपस्या करने लगे। उस समय इस स्थान पर घना जंगल था। जंगल में हिंसक जंगली जानवर भी रहते थे, इसलिए सम्राट विक्रमादित्य ने योगी राज बृहतहरि की रक्षा के लिए इस स्थान पर जीर्णोद्वार करा कर एक किले का निर्माण यहाँ पर कराया। योगी राज बृहतहरि इसी किले में समाधिस्थ हुए। आज भी इस किले में उनकी समाधि है। ऐसा माना जाता है कि योगी राज बृहतहरि की आत्मा आज भी इस पर्वत पर विराजमान है। चुनारगढ़ की धरती पर अनेक तपस्वियों ने तपस्या किया। यह पर्वत योगी राज बृहतहरि की साधना, भगवान बुद्ध के चतुर्मास नैना योगिनी के योग का गवाह है। नैना योगिनी के कारण ही इसका एक नाम नैनागढ़ भी है। चुनारगढ़ किले ने अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं। समय के साथ साथ तत्कालीन शासकों ने इस पहाड़ी पर अलग अलग शैलियों में समय की आवश्यकता अनुसार निर्माण कराया। वर्तमान समय में इस किले को अत्यधिक प्रसिद्धि बाबू देवकी नंदन खत्री द्वारा रचित प्रसिद्ध 13वीं उपन्यास चंद्रकांता संतति के कारण मिली। चंद्रकांता उपन्यास का केंद्र बिंदु चुनारगढ़ है। चंद्रकांता एक अद्भुत रचना है, इसमें कोई भी शक नहीं है। चंद्रकांता के उपन्यास का आधार तिलस्म है। तिलस्म ही इस उपन्यास की आत्मा है। चंद्रकांता उपन्यास में चुनारगढ़ किले के बारे में सबसे अधिक वर्णन किया गया है। चंद्रकांता उपन्यास की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इस उपन्यास को पढ़ने के लिए बड़ी संख्या में लोगों ने हिंदी सीखा है। दूसरे प्रदेशों और विदेशों के लोग जिनके बीच चंद्रकांता उपन्यास लोकप्रिय हुआ, वो लोग भी हिंदी सीखे हैं इसे पढ़ने के लिए। चंद्रकांता पर एक टेलीविजन सीरियल भी बना। सीरियल और उपन्यास में चुनारगढ़ के राजा शिवदत्त, सेनापति क्रूर सिंह, तारा भूतनाथ आदि का जिक्र है। टेलीविजन सीरियल चंद्रकांता ने लोगों में चुनारगढ़ की अलग ही छवि बना दिया। टेलीविजन सीरियल के कारण इस किले को विशेष प्रसिद्धि मिली। यह किला चंद्रकांता के तिलस्मी चुनारगढ़ के रूप में जाना जाने लगा। लोग इस तिलस्मी किले को देखने के लिए लालायित हो उठे। किले को देखने का एक नया सिलसिला शुरू हो गया। वर्तमान समय में भी लोग इस किले को चंद्रकांता का चुनारगढ़ समझकर देखने आते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि चुनारगढ़ किले से चंद्रकांता उपन्यास में वर्णित कहानी, तिलस्मी और किरदारों तारा, शिवदत्त, भूतनाथ आदि का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। यह एक काल्पनिक कहानी, काल्पनिक तिलस्मी और काल्पनिक किरदार हैं। चंद्रकांता एक अच्छे उपन्यासकार की बेहतरीन रचना है। चंद्रकांता उपन्यास का चुनारगढ़ किले से कोई संबंध नहीं है। चुनारगढ़ के तिलस्मी की हकीकत कुछ और है। यह तिलस्मी किला या स्थान वैसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा चंद्रकांता उपन्यास में वर्णन किया गया है या टेलीविजन सीरियल में दिखाया गया है।
चुनारगढ़ किले का वास्तविक तिलस्म का चंद्रकांता उपन्यास के काल्पनिक तिलस्म से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। तिलस्म की एक अलग ही दुनिया होती है। चुनारगढ़ भारत का सबसे बड़ा तिलस्मी और रहस्यमय किला है। इसका प्रमाण इसकी बनावट है। इस किले को ध्यान से देखने पर ही इस किले के तिलस्म को समझा जा सकता है। बलुआ पत्थर से निर्मित चुनारगढ़ के इस किले के हर पत्थर पर किसी न किसी तरह के चिन्ह या संकेत हैं। एक अजीब सी भाषा में लिखी हुई है सभी चीजें, जिसे आज इस आधुनिक युग में पढ़ना या समझना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। इसलिए कहा गया है, जिसका जर्रा जर्रा तिलस्म है उसका नाम ही चुनारगढ़ है। पत्थर के इस किले में कई विशाल गहरी और रहस्यमय सुरंगों का मुहाना भी है, जिसकी सीमाओं का कोई भी पता नहीं है। चुनारगढ़ किले में सुरंगों का एक जाल सा बिछा हुआ है। चुनार नगर के नीचे कई जगह पर इसके प्रमाण आज भी मौजूद हैं एवं समय समय पर इसके संकेत मिलते रहते हैं। इसके अलावा इस किले में कई गहरे तहखाने भी हैं, जो कि गुप्त रूप रास्तों से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बहुत कम लोगों को पता होगा कि इस किले में भयंकर सांपों का भी बसेरा है। रहस्यमय और तिलस्मी किलों में सांपों की मौजूदगी कोई आश्चर्य की बात नहीं है। दूर से देखने पर यह किला दिमाग में एक अजीब सा कौतूहल भी पैदा करता है। हर आदमी यह जानने को बेचैन होता है कि किला नीचे बंद किले के ऊपर एक बहुत गहरी बावली है, जिसमें पानी के अंदर तक सीढ़ियां बनी हैं एवं इसके दीवारें कई तरह के चिन्ह बने हैं, जो प्राचीन लिपि की तरफ संकेत करता है, जो इस बावली को और भी ज़्यादा रहस्यमय बनाता है। चुनारगढ़ किला एक तिलस्मी आश्चर्य है। किले में ऊंचाई पर 52 खंभों पर बना हुआ सोनवा मंडप भी है, जिसके नीचे रहस्यमयी और तिलस्मी तहखाना है, जिसमें हर वक्त अंधेरा रहता है। लोग इसे काल कोठरी समझते हैं, लेकिन यह केवल एक भ्रम है। तहखाने में कई बंद दरवाजे हैं। इन दरवाजों से किले के भीतर जाने का रास्ता है। किले के भीतर बहुत सारे गुप्त स्थान और रहस्यमय कोठरियां हैं। इसका तिलस्मी किले का सारा रहस्य बंद दरवाजे, कोठरियों, रहस्यमय तहखानों में कैद है। हर किसी के मन में यही सवाल है, आखिर चुनारगढ़ किले में इतना गहरा तहखाना, इतनी गहरी सुरंगें क्यों और किस कारण से बनाई गई हैं? सबसे बड़ा रहस्य इसमें छुपे हुए खजाने को लेकर है। यह एक बहुत बड़ा सत्य है कि खजाना इसी किले में कहीं सुरक्षित है। इस किले का एक महत्वपूर्ण नक्शा भी है, जो किसी के यहाँ कैद है। नक्शे को लेकर कई प्रभावशाली राजनैतिक लोगों के बीच आपसी तनातनी भी हुई, जो कि इस किले की दुर्दशा का एक बहुत ही बड़ा कारण है। ना जाने कितने लोगों ने लोभ और लालच में आकर अपने जान हाथ धो बैठे। किले कई सारे खतरनाक स्थान भी हैं। इस किले में भारत की आज़ादी के बाद इसके कई खतरनाक गुप्त दरवाजे, सुरंगों, मुहानों को बंद कर दिया गया। चुनारगढ़ हम सब की मातृभूमि है। चुनारगढ़ की पवित्र भूमि पर यह ऐतिहासिक विरासत करा रहा है। आवश्यकता है इसको संरक्षित करने की और सुरक्षित करने की। दोस्तों, आपको ये रहस्यमय और अमेजिंग सी इन्फॉर्मेशन कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और इसके साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर दबा देना, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको हमारे चैनल पर हमेशा मिलती रहेगी।